बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के एक जानिसार सिपाही ने बताया कि क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ। कायद उस तकरीब में मेहमान खसूसी थे, वो ठीक वक्त पर तशरीफ़ लाए, लेकिन वज़रा और सरकारी अफसरान अभी तक तकरीब गाह में नहीं पहुँचे थे। उनमें से कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान भी शामिल थे। अगली रो की कई कुर्सियाँ जो वज़राए कराम और बड़े अफसरान के लिए मखसूस थी खाली पड़ी थी। ये देखकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ गई। उन्होंने कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया और उसके साथ ये फरमाया कि तकरीब गाह में मौजूद तमाम खाली कुर्सियाँ उठा ली जाएँ ताकि जो हजरात बाद में आएँ उन्हें खड़ा रहना पड़े। इस तरह उन्हें आइंदा वक्त की पाबंदी का ख्याल रहेगा। हुक्म की तामील हुई। तकरीब शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद जनाब लियाकत अली ख़ान तशरीफ़ ले आए। उनके साथ दूसरे चंद वज़रा भी शामिल थे। किसी शख्स को उनके लिए कुर्सी लेकर आने या उन्हें अपनी कुर्सी पेश करने की इजाज़त ना हो। तकरीब के दौरान सारा वक्त लियाकत अली ख़ान और उनके साथी खड़े रहे। उनका मारे शर्मिंदगी और निदामत के बुरा हाल था। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना रवाना होने लगे तो उन हजरात ने देर से आने पर बड़ी माजरत की और उस वाक़े के बाद किसी भी बड़े शख्स को ये जरूरत ना हो सकी कि वह तकरीब में देर से आए।